मैं एडवोकेट वाजिद खान बिड़कर महाराष्ट्र सरकार ने 5/1/2017 को एक शासन परिपत्रक निकाला था, उर्दू स्कूलों को जुम्मा के दिन आधा दिन की छुट्टी दी गई थी और जुम्मा के दिन यानी कि फ्राइडे को स्कूल सिर्फ आधा दिन ही रहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने जेआर पारित किया था। लेकिन इस जेआर को कुछ मनुवादी लोग जो है तो अमल में नहीं ला रहे हैं। जब गवर्नमेंट का साइटेशन का कोर्ट का जब जेआर आता है तो उसकी अमल बजोनी होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई भी पत्र व्यवहार नहीं करते हुए डायरेक्ट वो चीज़ को अमल में लाना चाहिए। लेकिन कुछ मनुवादी लोग फ्राइडे के दिन उर्दू स्कूलों को हाफ डे की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि येरोडा की कोर कमेटी जो 4 महीने से लगातार मेहनत कर रही है उनको जवाब दिए जा रहे हैं कि हम अप्लीकेशन करेंगे, हम इसके पास जाएंगे, शिक्षण मंत्री को निवेदन करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स को बुला के फिर निर्णय लेंगे। ये क्यों, ये नौटंकी किस लिए कर रहे हो आप? मनुवादी लोग इतना भी मत गिरो, इसमें स्कूल के बच्चों का फायदा ही है। जो फ्राइडे के दिन आधा स्कूल है उस स्कूल का टाइम 1 बजे के पहले फिनिश हो जाएगा। कुछ मनुवादी लोग इस चीज़ को बवाल मचा के कि हाफ डे जुम्मा की नमाज जाएगी ऐसा गलत बयान दे रहे हैं और गलत चीज़ लागू करने की कोशिश कर रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील करूंगा, बल्कि 18 पकड़ जाति के सभी लोगों को अपील करूंगा कि जो शासन का निर्णय है उस निर्णय के हिसाब से फ्राइडे को हाफ डे की जो छुट्टी है वो तत्काल दी जाए, वरना मैं मेहरबान सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस और अपील दाखिल करके ऐसे मनुवादियों को सबक सिखाकर घर पर बिठाऊंगा। मैं एडवोकेट वाजिद खान बिड़कर और मैं मुस्लिम भाइयों से और सभी दोस्तों से एक विनंती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सअप गूगल पे इसको शेयर करें और एक छोटे से वकील की आप हेल्प करें ताकि हम का ये मैसेज हर घर तक जाए और आप भी अच्छे काम में साबित हों।